नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेयर, उपमेयर और पार्षद पद के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, समर्थकों में उत्साह। नगर निगम चुनाव नामांकन के 8वें दिन पूर्व मेयर सीमा शाह ने दाखिल किया नामांकन पत्र, जनता से मांगा एक और मौका। ट्रेनों में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का शातिर बदमाश गिरफ्तार, चांदी के आभूषण बरामद। अस्पताल निरीक्षण के दौरान कर्मियों की कार्यशैली की खुली पोल, एसीएमओ ने पूछा स्पष्टीकरण। और नक्सलियों से मुठभेड़ में नालंदा का लाल हुआ शहीद। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपर समाहर्ता कार्यालय परिसर में नामांकन कराने वालों की भारी भीड़ देखी गई। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नगर निगम के महापौर, उपमहापौर और पार्षद पद के लिए काफी संख्या में पुरुष और महिला प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर निगम चुनाव नामांकन के 8वें दिन एडीएम कार्यालय और आसपास में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी रही, जबकि नामांकन के बाद वहाँ मौजूद समर्थकों और शुभचिंतकों ने बधाई और जीत की शुभकामना देकर उत्साह बढ़ाया। इससे पूर्व अलग अलग वार्ड से प्रत्याशियों ने ढोल बाजे के साथ अपने अपने वार्ड क्षेत्र का भ्रमण किया और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपने पक्ष में समर्थन देने की अपील की। नामांकन काउंटर पर जहां संभावित प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया, वही काउंटर पर मौजूद जिले के विभिन्न कार्यालयों से आए अधिकारी और कर्मियों ने लोगों को कई जानकारी भी दी। शुक्रवार को वार्ड नंबर 35 से निवर्तमान पार्षद समेत कई लोगों ने चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरा। वार्ड नंबर 38 अमन कुमार सिन्हा, वार्ड नंबर 20 से शांडलिये नंदिकेश समेत विभिन्न वार्ड से दर्जनों प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया। इस दौरान कई पूर्व पार्षद और नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके संभावित प्रत्याशियों की भी चहलकदमी देखी गई। बता दें कि शनिवार को दूसरे चरण के चुनाव नामांकन का अंतिम दिन है और इसको लेकर बाकी बचे हुए प्रत्याशी अपना नामांकन कराएंगे। चुनाव 2017 में हार मिलने के बाद लगातार प्रयत्न करते रहे और आप लोगों का इतना प्यार मिला कि आज दोबारा हम नामांकन वार्ड संख्या 20 से भरे हैं। और मुद्दा तो अनंत है, कुछ पल में गिनाया नहीं जा सकता है। स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, पानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सफाई हो, हर एक अनेक मुद्दा है भैया। अब जितना लड़ाई लड़ सकते थे आप लोगों, सबके सामने में ही है हमारी लड़ाई, लड़ते आए हैं और लड़ते ही रहेंगे। लेकिन इस बार नगर निगम जाने का एक विशेष मकसद है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल था नगर निगम का, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। हमारे वार्ड में एक शौचालय नहीं बनाया गया और जो उसके पहले वाले टर्म में बनाया गया था उसका आज तक ताला नहीं खोला गया। हमारे पूर्व पार्षद मेहनत करे थे, 17 साल 18 साल या 20 साल हो गया उनका, 4 टर्म से वो हमारे पार्षद रहे हैं, लेकिन अगर उपलब्धि जोड़ी जाए तो मेरे हिसाब से 0 है उनकी। पिछले कई वर्षों से मैं समाज सेवा में हूँ और वार्ड नंबर 38 के अलावा पूरे भागलपुर शहर में लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ ना कुछ सेवा करते रहता हूँ और हर एक जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उसमें शामिल भी होता हूँ। तो चुनाव अभी आज वार्ड नंबर 38 के लिए पार्षद पद के लिए मैंने नामांकन दाखिल किया है, तो आप क्या तैयारी है पूरी? अभी देखिए, वार्ड नंबर 38 का जहाँ तक सवाल है, वार्ड नंबर 38 में टोटल 50-51 गली है। मैं 50-51 गली, हर एक गली में हमारे 50-51 प्रतिनिधि होंगे जिनके साथ मैं हर एक 3 महीने में मीटिंग करूंगा और गली की जो समस्या है, हर एक गली की समस्या दूर होगी और वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ मैं खड़ा रहूँगा, चाहे उनकी जो भी समस्या है। योजनाएँ बहुत हैं, सरकारी योजनाएँ को उनको लाभार्थियों को
दिलवाने में मदद करूंगा। बिहार नगर निकाय चुनाव में पहली बार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए अलग से हो रहे चुनाव को लेकर भागलपुर नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए प्रत्याशियों की होड़ लग गई है। अब तक महापौर और उप महापौर पद के लिए एक दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं शुक्रवार को भागलपुर नगर निगम की निवर्तमान महापौर रही सीमा शाह ने गौशाला प्रांगण से अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और अपर समाहर्ता नामांकन केंद्र पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सीमा शाह ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए आगे भी जनता द्वारा मौका देने पर शहर की साफ सफाई और पानी की समस्या को दूर करने एवं स्मार्ट सिटी के कार्य को बढ़ाने के लिए प्रयास करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जीत के बाद अगले कार्यकाल में बचे हुए कई कार्यों को पूरा करने की योजना है। टिप बोरिंग और प्याऊ भी बनाए हैं हर वार्ड में, करीब 3-4 करके हर वार्ड में, 5 करके किसी वार्ड में बना है, और जल मिलार भी बना है, स्मार्ट सिटी का काम भी हुआ है मेरे ही रीजन में, और जाके भोलानाथ पुल जो पानी 2016 में जमती थी वहाँ पानी, वो कम से कम 2 घंटा से ज़्यादा नहीं अधिक रहता है। ये हम वादा करेंगे जनता से कि हम छूट गया है और जनता हाकार मचा, बहुत ऐसा जो छूटा है हम उसको पूरा करेंगे। जनता का हम आशीर्वाद चाहते हैं कि फिर से हमको एक आशीर्वाद दे, क्योंकि हम 5 साल का अनुभव हो गया है नगर निगम का, हम जनता से आशीर्वाद चाहते हैं। और हमें हमारे साथ में विधायक जी, सांसद महोदय और हम सरकार का भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जो कि डायरेक्ट हम जनता के बीच में जा सकते हैं और जनता हमको चुनेगी, क्योंकि 5 साल हर कोई हम लोग जनता देख रहे थे कि पहले का क्या था। इसी के साथ मैं सभी शहरवासियों को मेरा प्रणाम। वही वार्ड नंबर 29 की निवर्तमान वार्ड पार्षद खुशबू कुमारी ने शुक्रवार को महापौर पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। बरारी पुल घाट के समीप आवास से निकलकर खुशबू कुमारी ने अपने वार्ड समेत कई क्षेत्रों के लोगों से मिलकर आशीर्वाद लिया और जीत के लिए समर्थन देने की अपील की। वही नगर निगम के बनाए गए नामांकन केंद्र पर मेयर प्रत्याशी खुशबू कुमारी ADM शिव कुमार शेफ के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान खुशबू कुमारी ने कहा कि महापौर बनाने के बाद पूरे शहर के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। और मैं अब ये चाह रही हूँ कि आगे हम मेयर के लिए मैं लड़ रही हूँ, तो भागलपुर जो है 4 जोन में बटा हुआ है, तो हम 4 तरफा काम जो है करेंगे। और अभी हम कुछ दिन पहले जो है दक्षिणी क्षेत्र का दौरा हम किए हैं, तो वहाँ पे हम ये चीज़ देखें कि वहाँ पे काम तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। जरा सा अगर बारिश पड़ जाता है तो तुरंत जल जमाव की स्थिति। ये मेरे लिए एकदम चैलेंज करते हैं, हम जो बोलेंगे सो 5 साल के अंदर करेंगे, क्योंकि नगर निगम को जो है ना बड़ा नज़दीकी से हम देखे हैं, उसको जो करेंगे। जैसे कि अब ये सबसे पहला मुद्दा है क्या, सफाई कर्मी का है, उनके लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता। अगर वो 4 दिन हड़ताल में अगर बैठ जाते हैं तो पूरा भागलपुर में कचरा का अंबार लग जाता है, लेकिन उनके लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हम पहले सबसे पहले उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। लखीसराय क्यूल रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रेन में लूटपाट करने वाले बदमाश गिरोह के एक शातिर चोर को 2.5 किलो चांदी के सामानों के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि पकड़े गए चोर के पास से पुलिस ने चोरी का मुकुट, छापरिया, ताबीज समेत कई सामान बरामद किया है। इसको लेकर रेल DSP इमरान परवेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कुख्यात चोर के हावड़ा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने की सूचना मिली थी, इसके बाद जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने ट्रेन से चोरी किए गए सामानों को बेगूसराय के अजोरा में हटाने की बात कही है, जबकि चोर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि बुधवार को लखीसराय रेल पुलिस ने 5 शराती चोरों को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से यात्रियों के पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ था। ये जो व्यक्ति है मोहम्मद सैदर, ये बेगूसराय का रहने वाला, ये हावड़ा से राजेंद्र नगर तक, हावड़ा से बेगूसराय तक ये टिकट कटाया हुआ था और हावड़ा से एक व्यक्ति को फॉलो कर रहा था जिसके पास ये तमाम सामान थे। तो ये व्यक्ति जो हावड़ा राजेंद्र नगर से चल रहा था 2351 ट्रेन नंबर, तो वो इसका झोला को झपट्टा ले के मार के और वो लखीसराय स्टेशन उतर के भागने लगा। इसी क्रम में हमारा स्टेशन में जो भी सिपाही अवलदार नियुक्त थे और जो हमारा स्कॉट पार्टी था वो सब मिलके उसको पीछा किए, इतने में वो झोला फेंक के भागने लगा, लेकिन फिर भी
हमारे सिपाही लोग तत्पर होकर उसको घेर घार के पकड़ लिए और जब उसका झोला चेक किया गया तो इसमें काफ़ी जो है कि मात्रा में जो है आप देख रहे हैं चांदी का कुछ आभूषण है और कुछ सामान है जो पकड़ाया जो लगभग 2 किलो 314 ग्राम का है। इसमें कई तरह का ताबीज़ है, चोटी है, मुकुट है, झांप है और दिया दीपावली और कुछ त्यौहार का सामान है जो इसके हाथ से इससे पकड़ा गया। ये चोर जो है बेगूसराय का रहने वाला है। भागलपुर ACMO डॉक्टर अंजना कुमारी ने शुक्रवार को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने परिवार नियोजन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिए PHC प्रभारी और प्रबंधक को निर्देश दिया। ACMO ने आगामी परिवार नियोजन पखवाड़ा को लेकर लोगों के बीच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया, जबकि इसके बाद उन्होंने TV सेंटर पर जाकर कार्यों और व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं TV सेंटर में ACMO ने जब एक कर्मी के अनुपस्थित होने का कारण पूछा तो यहाँ के कार्यशैली की पोल खुल गई। सरकारी कार्यालयों के लिए एक कहावत काफी चर्चा में रही है जिसमें अक्सर यह कहा जाता है कि कर्मियों के लिए 11 बजे लेट नहीं और 1:30 बजे के बाद भेंट नहीं। यह कहावत यहाँ साफ चरितार्थ होती दिखी। बताया जा रहा है कि ACMO ने कर्मी के बारे में पूछा तो पता चला कि TV सेंटर के अधिकांश कर्मी रोजाना दिन के 11 बजे आते हैं और 1:30 बजे वापस चले जाते हैं। इसके बाद नाराजगी जताते हुए ACMO ने अनुपस्थित कर्मी से स्पष्टीकरण पूछे जाने के साथ मरीजों के लिए अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर अस्पताल के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जो भी रोगी यहां आए उसे अनुमंडल अस्पताल से ही पूरी दवाई देना सुनिश्चित किया जाए। हम लोगों ने देखा सबसे पहले TV प्रोग्राम देखा, उसमें जो कमी पाई गई उसको सुधारने का आदेश दिया है। और यहाँ पर हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए विजिट करने के लिए आए थे, तो चूँकि SDH का अलग टारगेट रहता है, PHC का अलग टारगेट रहता है, तो PHC के BCM और मेडिकल ऑफिसर जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिया गया जो पखवाड़ा चल रहा है 12 से 24 तक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बंध्याकरण कराए, ट्यूबेक्टोमी कराए, माला अंतरा जो भी है फैमिली प्लान का वो सारा सब चीज़ अच्छी करें, काउंसिलिंग करें, काउंसिलिंग करके जो फैमिली प्लानिंग की सुविधा दी जाने वाली है उस सब वैसेक्टोमी का केस है तो उसको भी आप लोग अप्रूव कीजिए, यहाँ सर्जन के द्वारा कर दिया जाएगा। TV में क्या कमी पाई गई है? किसमें? TV वार्ड में। TV वार्ड में है कि थोड़ा एक ही स्टाफ एब्सेंट थे। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान नालंदा का एक लाल शहीद हो गया, जिसका पार्थिव शरीर गुरुवार को हेलीकॉप्टर से राजगीर लाया गया। शहीद 34 वर्षीय चितरंजन कुमार राजगीर प्रखंड क्षेत्र के चक्पर गांव के रहने वाले थे, जबकि इस घटना के बाद शहीद के पिता शिव कुमार सिंह समेत पूरे परिवार और उनके चाहने वालों के बीच मातम छा गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि झारखंड के चतरा स्थित प्रतापपुर बूढ़ा पहाड़ी पर 19 सितंबर को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के दौरान चितरंजन को पेट एवं जांग में गोली लग गई थी, जिसके बाद घायल अवस्था में CRPF जवान को इलाज के लिए रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान ही देर रात चितरंजन कुमार की मौत हो गई। चितरंजन कुमार CRPF 190 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वहीं इसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से राजगीर पहुंचते ही सभी की आंखें नम हो गई और शहीद जवान अमर रहे के नारे से पूरा इलाका गूंजता रहा, जबकि जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को उनकी पत्नी जूही कुमारी ने कंधा देकर अश्रुपूरित विदाई दी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। मैं सुबोध कुमार नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया, तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कोई भी दवा नहीं खाता हूँ डायबिटीज़ का, नॉर्मल है मेरा डायबिटीज, अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है और बहुत अच्छा है।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है बढ़ते वक्ली खबर की ओर। भागलपुर की गोराडी प्रखंड प्रमुख कुमारी संगम इन दिनों लगातार अपने क्षेत्र में आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं। इसको लेकर शुक्रवार को कुमारी संगम ने गोराडी कृषि भवन का जायजा लिया, जहां प्रमुख को कृषि भवन में कृषि पदाधिकारी और तकनीकी सहायक अनुपस्थित मिले, जिसके बाद नाराजगी जताते हुए प्रखंड प्रमुख ने वहाँ मौजूद कर्मियों से आम लोगों के हित में कार्य करने और अधिकारियों के लापरवाही की शिकायत वरीय पदाधिकारी को आवेदन देकर करने की बात। वहीं इस दौरान प्रखंड प्रमुख ने कहा कि उन्होंने पूर्व में भी कृषि भवन का जायजा लेने के बाद कार्यालय की कार्यशैली में सुधार लाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। वहीं विधि व्यवस्था की बात पर प्रखंड प्रमुख ने बड़ा आरोप लगाते हुए कार्यालय में कृषि पदाधिकारियों के बैठने के लिए कुर्सी की भी व्यवस्था नहीं होने की बात कही, जबकि कंप्यूटर भी नदारद दिखा। भागलपुर एसडीओ कार्यालय परिसर स्थित अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय में पहले चरण के चुनाव के लिए बनाए गए नगर पंचायत अकबर नगर नामांकन केंद्र पर कुल 76 लोगों ने एनआर कटाया था, जबकि एक नामांकन पत्र स्क्रूटनी के दौरान अयोग्य पाया गया। शुक्रवार को एक व्यक्ति ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसको लेकर PGRO अरुण प्रकाश ने बताया कि नगर पंचायत अकबर नगर में पहले चरण में 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी ली गई है और पोलिंग पार्टी डिस्पैच के लिए अकबरनगर मध्य विद्यालय में केंद्र बनाया गया है, जिसमें से 6 चलंत बूथ बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 सेक्टर अफसर और 9 पेट्रोलिंग पार्टी बनाया गया है, जबकि प्रतीक चिन्ह आवंटित होने के बाद कुल प्रत्याशियों की संख्या और मतदान से जुड़ी जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। वहीं हबीबपुर नगर पंचायत नामांकन केंद्र पर शुक्रवार तक 76 NR कटाया गया था, जबकि इसमें से 53 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसमें से मुख्य पार्षद पद के लिए 4 और मुख्य पार्षद पद के लिए 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा। टोटल हमारे यहाँ 76 अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन किया था, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद को मिलाकर के। टोटल हमारे यहाँ 11 वार्ड हैं, जिसमें 15 बूथ हैं, और 76 में से एक नॉमिनेशन को हम लोगों ने रद्द किया और 75 अभ्यर्थी अभी तक आपको ये नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन एक अभ्यर्थी आज हम आपसे लिए हैं वार्ड नंबर 8 से पुष्पम कुमार। तो अभी कल तक, कल के बाद ही क्लियर हो पाएगा कल शाम तक कि टोटल कितने अभ्यर्थी आपको मैदान में हैं। और जहां तक बात है, आपका नॉमिनेशन तो हो ही चुका है, अब इसके बाद हम लोग की तैयारी है 25 के बाद हम लोग कितने बूथ बनाए गए, क्या तैयारी है? बूथ तो हमारे कुल मिलाकर के 15 हैं, जिसमें से 9 आपको हमारे मूल मतदान केंद्र में है और 6 चलंत बूथ था। परीक्षा परिणाम की देरी को लेकर लंबे समय से भागलपुर बीएड के शिक्षक प्रशिक्षुओं में चल रहा आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा। इस दौरान विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षुओं ने परीक्षा परिणाम में हो रही देरी को लेकर अपनी चिंताएं विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने जाहिर की और विश्वविद्यालय के सामने अपनी कई समस्याओं को रखा। वहीं बीएड सत्र 2020-22 के शिक्षक प्रशिक्षुओं का एक्सटर्नल वाइवा करीब 2 महीने से लंबित होने के कारण संबंधित महाविद्यालयों में दौड़ भाग कर थक चुके हैं। साथ ही बीएड प्रशिक्षुओं ने कहा कि परीक्षा परिणाम आने में देरी होने और दिसंबर 2021 का सीटेट क्वालिफाई करने के बावजूद सातवें चरण के शिक्षक नियोजन से वंचित हो सकते हैं, जबकि प्रशिक्षु शिक्षक ने कहा कि अगर जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा और कई कार्य भी बाधित किए जाएंगे। यही रिक्वेस्ट है कि हमारा वाइवा जल्द से जल्द दिया जाए और यहाँ रिजल्ट जारी किया जाए जल्दी, नहीं तो हम लोगों को फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एग्जामिनेशन कंट्रोल से मिला गया है, लेकिन वो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है, बट उन्होंने कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं किया है अभी तक। वाइस चांसलर से मिलना जरूरी है उनसे, और आगे देखा जाएगा क्या होगा। हम लोग यहाँ, हम लोग 20-22 सेशन, 20-22 हम लोग सिटी कॉलेज अपना घंटाघर से आए हैं। हम लोग का रिजल्ट का प्रकाशित से रिलेटेड हम लोग का इशू था। हम लोग का डेट 30 जून को हम लोग का डेट दिया गया था, बीएड एग्जाम का फाइनल ईयर का डेट दिया गया था, जो बार बार बढ़ाया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा विदाउट एनी वैलिड रीजन। 30 जून के बाद हम लोग को एक नोटिस मिला कि अगला 10 दिन में होगा। ऐसा नोटिस मिलते मिलते हम लोग को 30 जुलाई तक डेट चला गया, और उसके बाद लास्ट एग्जाम हम लोग का 2 अगस्त को हुई थी। उसके बाद हम लोग का वाइवा नहीं हुआ, और वाइवा अभी तक नहीं हुआ, और यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आपका वाइवा ले लिया जाएगा जल्द से जल्द।
मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी फरतों के समीप कचरा लदा ट्रक सड़क पर पलट जाने से ट्रक चालक और खलासी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को संदेह हुआ और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कचरा की जांच की तो ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ, जिसे सदर पुलिस ने जब्त कर लिया। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ट्रक गोबरसाही की ओर जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और कचरा सड़क पर फैल गया, जिसके बाद वहां काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं लोगों ने इसकी सूचना सदर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक के तहखाने से शराब बरामद होने पर पुलिस ने ट्रक समेत शराब जब्त कर आगे की कार्यवाही में जुट गई। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेयर, उपमेयर और पार्षद पद के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, समर्थकों में उत्साह। नगर निगम चुनाव नामांकन के 8वें दिन पूर्व मेयर सीमा शाह ने दाखिल किया नामांकन पत्र, जनता से मांगा एक और मौका। ट्रेनों में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का शातिर बदमाश गिरफ्तार, चांदी के आभूषण बरामद। अस्पताल निरीक्षण के दौरान कर्मियों की कार्यशैली की खुली पोल, एसीएमओ ने पूछा स्पष्टीकरण। और नक्सलियों से मुठभेड़ में नालंदा का लाल हुआ शहीद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।